मुझे बार बार फोन आ रहे, कभी पुलिस से कभी किसी से, आपकी टेंशन चल रही है, ठीक है? टेंशन चल रही है, बोल टेंशन चल रही है। मत करो भैया वो कवर फोटो, मत करो भैया वो कवर फोटो। अरे रुक जा यार, कवर फोटो। अरे रुक जा मेरी माँ। हेलो गाइस, तो गाइस एलविश यादव ने फिर से मनीषा रानी को उनके व्लॉग वीडियो पर रिप्लाई दिया है। जी हाँ दोस्तों, कल मनीषा रानी ने एलविश यादव के ऊपर एक व्लॉग वीडियो बनाया था और बताया था कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनको अनफॉलो क्यों किया था। अब दोस्तों उसी बात को लेकर एलविश यादव ने आज के व्लॉग वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट मनीषा को रिप्लाई दिया है, उनका रोस्ट भी किया है। तो क्या कहा एलविश यादव ने, चलिए मैं आप लोग को उनका व्लॉग वीडियो दिखाता हूँ। तो उसमें ना उन्होंने बोला कि एलविश को मैंने अनफॉलो किया, उसका रियल रीजन ये था कि एलविश ने कोलैब किया और कवर फोटो में अपना और अक्षय कुमार का लगा दिया। मेरे में ईगो था जो मैंने नहीं हटाया एज पर हर, और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट थी इसलिए उसने अनफॉलो कर दिया, ठीक है। ऑल दो दिस इज नॉट अ बिग थिंग। तो ऐसा ये पहला फैक्ट आपका रॉन्ग है कि मुझे आपके साथ फोटो लगाने में शर्म आती है। अगर मेरे को फोटो लगाने में आपके साथ शर्म आती इसका मतलब तो फिर मेरे को आपके साथ गाना भी नहीं करना चाहिए था। हमने आपको अप्रोच करा था बोलेरो गाने के लिए, तो ये फैक्ट बहुत रॉन्ग है यार, कोई शर्म नहीं है। यू आर अ गुड फ्रेंड टू मी और बिग बॉस में भी काफ़ी अच्छी मेमोरीज है हमारी, तो ये शर्म वरम वाली बात तो भूल ही जाओ। तो ये फ़ोन पकड़ और ना, यू आर वेरी बिजी और आपकी ज़िंदगी में बहुत लफड़े चल रहे हैं लीगली खासकर, तो आपके ना आप बहुत टेंशन में हो, टेंशन में होके दिखाओ चलो कि कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं आपकी जगह, बार बार फ़ोन आ रहे हैं, कभी पुलिस से कभी किसी से, आपकी टेंशन चल रही है, ठीक है? टेंशन चल रही। मत करो भैया वो कवर फोटो, मत करो भैया वो कवर फोटो। अरे रुक जा यार, कवर फोटो। अरे रुक जा मेरी माँ, कवर फोटो रुक जा, एक बार बदल देते कवर। अरे इसे छोड़, ये क्या है, ये तो छोटी चीजें है, जेल में इतना क्या है, छोटी चीजें, कवर फोटो। अरे मेरी माँ रुक जा, कवर। अरे मेरी कवर। दूसरी चीज मैं बस सेल्फ रिस्पेक्ट की बात बोलना चाहूंगा कि आई एम पॉइंटिंग यू आउट। अगर आप ये बोल रहे हो कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई, हमारी बात नहीं मानी, आप इतने सेल्फ रिस्पेक्ट वाले थे तो कोलैब हटा देते, आपकी तो प्रोफाइल से ऑटोमेटिक हट जाता। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट पर पैसा उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम उसी की भलाई के लिए वो कवर फोटो लगाई थी कि क्लिक्स ज़्यादा आए। तो मेरे हिसाब से तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है वो तभी पॉसिबल हो पाती क्योंकि उसने मेरे को ये बोला था कि कोलैब हटा लेंगे, मैंने कि भाई हटा लो आप कोलैब। तो यहाँ पर दोस्तों एलविश यादव ने मनीषा रानी को लेकर के जो कुछ कहा, इस पर आपका क्या रिएक्शन, क्या उन्होंने सही कहा या गलत, और आप लोग इस मामले में, इस कंट्रोवर्सी में किसके सपोर्ट में हो, एलविश यादव या फिर मनीषा रानी के, आप लोग हमें इसके बारे में कॉमेंट में जरूर बताइएगा।